गर्मी के मौसम ने अलविदा कह दिया है और मानसून का आगमन हो चुका है। इस मौसम में भिलाई शहर में कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसे देखते हुए निगम भिलाई ने बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम की स्थापना की है। इसमें तीनों ही पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नगर निगम भिलाई इन कर्मचारियों के संपर्क नंबर जारी किए हैं, जिससे विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने पर संपर्क साधा जा सके और तत्काल उस इलाके में जहां बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो रही है वहां मदद पहुंचाई जा सकेगी। नगर निगम भिलाई में आगामी बरसात को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई, कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें हमारे नगर निगम भिलाई में आदरणीय आयुक्त महोदय, महापौर महोदय, सम्मानित विधायक महोदय, सबका दिशा निर्देश था कि एक कंट्रोल रूम बने जहां पर किसी भी प्रकार का अगर कोई जल भराव वाली स्थिति आती है, कहीं पानी भर जाता है, तो आम जनता वहां फोन कर सके, जिससे हमारे यहाँ के कर्मचारी समय पर पहुँच सकें। तो इसको संज्ञान में लेते हुए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम में उस कंट्रोल रूम में जो है कर्मचारी रहेगा। आप लोग फ़ोन कर सकते हैं और आपको उसका नंबर पेपर में प्रकाशित किया गया है और मतलब हर उसमें क्या नाम है अपना शिफ्ट में दो दो कर्मचारी रहेंगे, आपको जानकारी देंगे। आप चाहेंगे तो आपको चैनल के माध्यम से भी हम जानकारी दे देंगे। देखिए, प्रथम पाली में ऑपरेटर हमारे राजदीप वैष्णव, उनका नंबर है 9039136979। ये है हमारे वैष्णव जी का नंबर है। उन्हीं के साथ साथ मिलाप साहू हैं, उनका नंबर है 9111681708। सुबह 6 से 2 लोग बैठेंगे। उसके बाद दिलीप कुमार हुमने बैठेंगे, उनका नंबर है 8234018349। उसके बाद जो है बैठेंगे आपके उमा शंकर, इनका मोबाइल नंबर है आपका, उमा शंकर जी का नंबर है 9981904472। टूमन लाल का नंबर है 6266620379। इसी प्रकार रात्रिकालीन में जो बैठेंगे युवराज, उनका नंबर है 9970337382। मतलब हमारे यहाँ से तीनों पाली में आदमी बैठेगा। जब भी कोई तकलीफ हो आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं और आपका प्रयास यही रहेगा कि विदिन ए कुछ मिनट में आपके पास हमारी सुविधा पहुंच जाए, जिससे आपको आराम मिले।